आईपीएल 2018 में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली डेयरडेविल्स से होगा। अपना पहला मैच दोनों ही टीमें हार चुकी हैं। ऐसे में ये दोनों ही टीम चाहेगी कि इस मैच को जीतकर इस सीजन में अपना पहला मैच जीत ले। टॉस दिल्ली की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स पहले बल्लेबाजी करेगी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि गौतम गंभीर ने कर दी एक बड़ी चूक अपनी टीम में ग्लेन मैक्सवेल और स्पिन गेंदबाज शहबाज नदीम को जगह देकर। गौतम गंभीर के इस फैसले को पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आरपी सिंह गलत फैसला मान रहे हैं। आरपी सिंह के मुताबिक गौतम गंभीर को राहुल तेवतिया की जगह पर शहबाज नदीम को खिलाना चाहिए था, जबकि अमित मिश्रा को उन्हें टीम में रहने देना चाहिए था। खैर, अब गंभीर का ये फैसला कितना सही है और कितना गलत, ये तो मैच के अंत में पता चलेगा।